चलो अलीजा, इन्होंने तो गाना सुनाया है, अब आप क्यों पीछे हो? आप भी हमारे नाज़रीन को कोई चौंधा चौंधा जिहा गाना सुना दो। एक्चुअली मैं सिंगिंग इतनी मेरी कोई खास नहीं, बट फिर कोई भी बात दो नहीं, लाइन्स दो लाइन्स। जो मेरा सॉन्ग अभी वन को इंशाल्लाह ताला रिलीज होगा, उसका नाम जुदाई है, उसकी दो लाइन्स मैं आपको गा के आपने सुनाऊंगी। गाया, नहीं, मैंने उसमें गाया नहीं है। परफॉर्म की है? जी, एज अ ओके, मॉडल, एज अ मैंने एक्टिंग भी की है बीच में। अच्छा ठीक है। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला क्यों घबरावे, दिल कमला क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। चले, बहुत वाह खूब, अच्छी कोशिश है। तो जाहिर है गाते गाते तो फिर गवैया बन ही जाता जी बंदा जी ऐसा ऐसा आप और सारी जिंदगी भी पड़ी सीखने के लिए, सीखने के लिए। अच्छा ऐसे ही मुझे है। बताएं, पाकिस्तान की किस स्टार से आप मुतासिर हैं? फिर इंडिया, ये क्वेश्चन मुझसे, मैं एक वीक पहले गई थी शो पे, अवार्ड शो था, मुझसे न्यूज एंकर ने यही क्वेश्चन पूछा था कि आप फैन किसकी हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कहती है आप किसकी फैन है, मैंने कहा मैं अपनी फैन हूँ, मैं खुद अच्छा की फेवरेट हूँ। अच्छा तो एक सेकंड के लिए ना वो पजल हो गई कि इसने कहा क्या है। मैंने कहा वजह पूछे मुझसे, आप वजह पूछे क्यों भाई, लोग इसके फैन है, सबा का मेरा ये है वो है, आप मैंने कहा वजह पूछे मुझसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ठीक मायरा है, खान को कॉपी करती हूँ, उस जैसी अदाएं, उस जैसी बातें, उस जैसा रख रखाव, ठीक है, वो तो मैं उसकी डेटा कॉपी, लोग तो यही कहेंगे यार ये उसको फॉलो करती है, ये उस जैसी कभी बन सकती है। अगर हम अपने आप पे वर्क करेंगे, अगर अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक सो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। नहीं बात आपकी अच्छी है। अगर ऐसा होता है ना कि जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट लड़कियां हैं लड़के हैं जो हमारे लेजेंड मतलब अदाकार हैं, बंदा कहीं ना कहीं किसी से मुतासिर हो जाता है कि यार क्या बात है, शायद अल्लाह ताला मुझे इस जैसा ही बना दे। क्या नाम है इनका, क्या शौहरत है, कैसे काम करते हैं, ऐसा कभी फील नहीं किया? ऐसा कभी फील नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा अगर होना, अगर मुझे हो भी ना, तो वो मेरी मदर है, मैं सिर्फ उनको फॉलो करती हूँ। और अगर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी तो इनसे, इनकी सिंगिंग, मुझे सिखार मलिक साहब की सिंगिंग की मैं दीवानी हूँ। और मैंने अगर और भी मैंने सीखना है तो मेरे लिए आपके सिखार उस्ताद मलिक ही हैं। जी बिल्कुल सिंगिंग। चलें ये तो हो गई ये बात। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप चले उकाड़ा से जी तो लाहौर आके आपने ब्रेक लगाई, जी हुन की करण दे इरादे ने वो दस दबो। इनशाला इतना एक ऐसा नाम बनाना है कि पाकिस्तान की पहचान बन जाए। वाह वाह, इनशाला मैं इंडिया दिया मूवीज देखता, वो एक टैलेंट नु सपोर्ट करते। और ये हकीकत गल आ कि जब मैं कोई न्यू टैलेंट देखता मैं खुशी होती है, तो मेरा दिल चाहता है कि यार मैं सपोर्ट करा, इन प्रमोट करा। ठीक है, तो यही चीजा मेरे उस्तादा ने मैंने दसिया है कि पुत तू इदा करेगा ना, किसी को मतलब सपोर्ट करेगा ना तो तेन रब खुद ब खुद सपोर्ट करेगा। ठीक है, दूजी गल उन्होंने मैंने दसी थी कि पुत झूठ नहीं बोलना, झूठ जो हों रिजक खाता हों, तो ये इंसान को हमेशा थले गिरा है। ठीक है, तो इनशाला मेरी यही कोशिश आ कि इंडिया वाले पाकिस्तान दे विच एक नाम हो जिहड़ा वो जानन और नाल नाम लैके गए कि यार बंदा पाकिस्तान तो साढ़े भी सिर च डंडा मार गया। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है, पर डंडे वाली गल नहीं सही, लड़ाई वाली गल लग रही। नहीं। अच्छा, और अलीजा क्या मसरूफियात हैं आपकी? मसरूफियात ये है कि रिसेंटली मैंने बीए किया है, तो उसके बाद अब ज्यादातर मेरा एक्टिंग और मॉडलिंग इस तरफ मेरा ज्यादा अटेंशन जोन सी इधर है। तो कल शूट हो रहा है एक ड्रामा सीरियल है, मेरी जिंदगी तुम हो, अच्छा उसमें मैंने एज अ हीरोइन मैंने उसमें काम करना है, ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह ताला कल से उसकी शूट स्टार्ट हो रही है, चलें जी तो हमारी नेक आपका तमन्नाएं आपके प्यार साथ होगा हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे जल्दी जल्दी से बताएं कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? मैं खाने च मिठे च मैडम कस्टर्ड। मिठा कदों पूछिया मैं? हाँ वैसे दसता ना दस मैं, दिता क्योंकि मैडम ये भी हो सकता बाद च बनाना पै जाए। हाँ जी हाँ जी,
नमकीन च दसो नमकीन च नॉर्मल आ मतलब कोई खास कुछ खास नहीं है तुसी दसो जनाब मैं थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस हूं अच्छा मैं फास्ट फूड नहीं खाती तो थोड़ा हेल्दी फूड लेने की कोशिश करती हूं मतलब आप क्या चाहती हैं आप थोड़ी सी भारी हो जाए मेरी तरह बिकॉज मैं मॉडल हूँ ना तो फिर मॉडल को कहते हैं स्लिम स्मार्ट सी स्टफ नहीं ऐडा भी ना होवे ना कि बंदा के यार ऐते एने ते उड्डी चाल नहीं नहीं यार वैसी भी बात नहीं है सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब जितना मेरा वेट है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिससे आप खुश हैं खुश हूँ लक मेरा 25 बातें तो बहुत दिलचस्प हो रही हैं कोई आगे के कोई ख्यालात ऐसे जिसको आप अमली जामा पहनाने के लिए बहुत तगोदोर कर रही हो मेरा करियर है मैं एक पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छा रोशन करना चाहती हूँ एज अ मॉडल एज अ आर्टिस्ट एज अ सिंगर तो मल्टी टैलेंटेड के साथ में आगे जाना चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला चलें जी ये हमारे गोल्स हैं तो अल्लाह ताला मदद करे और सबसे ज्यादा इनका प्यार हमें मिलेगा तो हम आगे जा सकते हैं अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है सो चलें बहुत अच्छी बात हुई इफ्तिखार एक और कोई सराइकी पंजाबी कोई ऐसा गाना सुनाओ फिर क्लोज की तरफ जाएंगे कोई कोई गाना हो अच्छा सा चलो अपना ना सुनाओ किसी होर दा सुना दो जी जी सुनाओ ओ ढोला सडाए असिया ढोल दे जेड़ा रोले मुका लेना है ओ ढोला सडाए ओ ढोला साडाए असिया ढोल दे जेड़ा रोले मुका लेना है एक्चुअली मैं पंजाबी सराइकी मतलब सराइकी गाउंदा नहीं हां अच्छा टोटली फरमाइश ली अच्छा गाता चलें बहुत शुक्रिया अपना इफ्तिखार हमारे चैनल अंजाम टीवी के तवस्सुत से कोई नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं मैं यही कहूंगा नाजरीन इन्हां दा प्यार सानू अगे लेके आंदा है इन्हों ने सानू सपोर्ट करना है इन्हों की वजह करके असी कुछ है गया वरना अदरवाइज असी कुछ नहीं हाँ ये सानू प्यार करते हैं तो साडा तोरी फुलका चलता है वरना अदरवाइज असी कुछ नहीं है ठीक है तो इन्होंने मैं ये गल जरूर कहूँगा कि अंजाम टीवी एक ऐसा टीवी चैनल आ जिदे बड़े वे वे स्टार लोग बड़े वे वे अच्छे अच्छे करैक्टर अच्छे अच्छे नामवर लोग आते हैं और उन्होंने बहुत कुछ सानू सीखने मिलता मतलब वो जिड़िया भी गल्ला करते हैं बहुत काम दी गल्ला होंगे एक एक गल के बहुत बहुत वे वे सबक होंगे मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है सो इनू बहुत ज्यादा सपोर्ट करो सबसक्राइब करो तो लाइक भी करो तो शेयर भी करो ठीक है यही मैं कहूँगा थैंक यू बहुत शुक्रिया अलीसा आपको अंजाम टीवी के तवस्सुत से नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहे जी बिल्कुल आज आपने मुझे अपने इंटरव्यू पे इनवाइट किया इतना प्यारा और स्वीट आपने इंटरव्यू लिया उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका और बस ये आपका प्यार है और ये आपका प्यार है जो हमें बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा सो हैप्पी न्यू ईयर पे फर्स्ट ईयर मेरा एक सॉन्ग आ रहा है उसको आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें जी ऑफ कोर्स तो और मलका जी इनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और आज आपकी इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे जितनी खुशी हुई है तो आप लोगों के ताबुन से ही इन्होंने आगे आगे तरक्की करनी है अब मैं इजाजत चाहूंगी अल्लाह हाफिज़